हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज का हाथ से फिनिशिंग कैसे करना है वो सिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं पहले हेमिंग कैसे करना है या तुरपाई कैसे करना है। ये जो हमने क्रॉस पट्टी लगा के लिया है, अब इसमें हेमिंग करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इसे फोल्ड करके, इसको ऐसे फोल्ड करके हेमिंग करना है। हेमिंग के लिए सिंगल धागा लेना है और छोटा वाला सुई लेना है। ये अभी मैं व्हाइट कलर से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, लेकिन आपको मैचिंग थ्रेड से ही करना है। अभी ये नीचे का ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, और ऊपर का ज़्यादा ले सकते हो। इसमें पहले स्टार्टिंग में ये फिक्स करना है नॉट डाल के। ये फिक्स हो गया, अभी इसमें हम हेमिंग करना चालू करेंगे। नीचे का एकदम छोटा लेना है। ऐसे आएगा तुरपाई या हेमिंग, ये साइड से ऐसे छोटा छोटा टाका दिखेगा। अगर आप मैचिंग थ्रेड से करते हो तो ऐसे दिखेगा। तो ऐसे ही आपको पूरा जो नेक है तुरपाई करके या हेमिंग करके लेना है, और स्लीव में भी ऐसे ही हेमिंग करना है। बैक में भी ये पट्टी लगाते हैं, इसको भी हम हेमिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने बड़ा बड़ा सिलाई दे के लिया है पहले। अभी ये हेमिंग करने के बाद वो सिलाई निकालना है। ये हेमिंग भी इसी तरह करेंगे। ज्यादा दूर दूर नहीं करना है, नजदीक नजदीक ही करना है। इसको मैं मैचिंग थ्रेड से ही करने वाली हूँ, आपको दिखाने के लिए व्हाइट थ्रेड से किया है। अभी हुक और लूप कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ। ये हुक पट्टी और लूप पट्टी है, पहले इसका सेंटर निकालेंगे। फिर इसका सेंटर और फिर इसका सेंटर, ऐसे सेंटर निकालना है सबका। तो ये पांच हुक और पांच आई करेंगे। ये जो बड़ी पट्टी है उसमें आई करेंगे, और ये जो फोल्ड हुआ पट्टी है इसमें हुक लगाएंगे। पहले हुक लगाने का तरीका दिखाती हूँ। सुई में मैंने डबल धागा डाला है तो चार धागे हो गए। हुक लगाने का तरीका नीचे से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने ये दूसरा कलर लिया है आपको दिखने के लिए, आप मैचिंग कलर से ही करो। यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है, ये हुक का लेवल है, ये पट्टी के बराबर होना चाहिए, ऐसे बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा अंदर की साइड ऐसे होना चाहिए। अभी जो ये जो राउंड है इसमें ऊपर नीचे दो तीन बार करना है। इस तरह से मैंने ये तीन चार बार ऐसे ऊपर नीचे करके ये रिंग तैयार कर दिया है। अभी ऐसे ही रिंग इधर भी करना है।
इस तरह से मैंने ये दोनों होल जो है वो पैक करके लिया है। अभी हम अभी ये ही जो हिस्सा है इसको पैक करेंगे। तो यहाँ से इसका टाका जो है पीछे तक आएगा, मेन फैब्रिक के ऊपर भी आएगा। ये जो टाका है ऐसे दिखेगा। ये मैचिंग थ्रेड से करेंगे तो ही वो अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखने के लिए ऐसा थ्रेड यूज किया है। यहाँ भी आपको दो तीन बार ऐसे करना है। अभी ये करने के बाद यहाँ ऐसे नॉट लगाना है। अभी ये हुक लगा के तैयार है। दूसरा हुक इधर लगाना है। तो ये सुई है यहाँ से अंदर की साइड से निकालना है और ये सुई जो है इधर भी नहीं दिखेगी और इधर भी बीच के कपड़े से निकालना है सुई। तो धागा आपको ये दोनों कपड़े के बीच में आएगा। अभी यहाँ दूसरा हुक लगा। यहाँ भी मैंने तीन बार अप एंड डाउन किया है ये रिंग को। अभी ये लॉक करेंगे ऊपर का हिस्सा और यहाँ एक नॉट डाल के लॉक कर रहे हैं। अगर समझो ये पांच हुक लगा के तैयार है, एंड करना है, तो ऐसे लॉक करने के बाद यहाँ से सुई निकालना है बीच से और फिर यहाँ से इसको ऐसे खींच के तोड़ना है ताकि जो एंड है वो दिखेगा नहीं। इस तरह से ये हुक लगा के लेना है। अभी लूप बनाते हैं। अभी जो लूप बनाना है ये पट्टी जहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ मेरा टॉप सिलाई है लेकिन स्टार्ट पट्टी यहाँ है, तो जहाँ पट्टी स्टार्ट होती है वहाँ ही करना है। शुरुआत करते वक्त अंदर की साइड से करना है। पहले एक टाका डाल के लेना है और उसके बाद ये बटन होल स्टिच करना है। इस तरह से ये तैयार हो गए। अभी यहाँ नीचे जाना है और लॉक करना है। लॉक हमें जो टाका है उसी में लॉक करना है। ये अच्छे से दो बार ऐसे नॉट करके ले लीजिए। अभी ये सुई ऐसे ही पास करनी है इसके अंदर से ही। पट्टी के अंदर से ही मैंने पास किया है। अगर आपको इससे जाड़ा चाहिए तो ये जो हमने टाका डाला है वो दो बार करना है। एक बार किया, अभी ये दो बार। तो ये आठ धागे हो गए हैं और फिर इसके बाद इसको ब्लैंकेट स्टिच करना है। इस तरह से अभी इसको लॉक करना है तो
जैसे पहले हमने हुक के टाइम लॉक किया वैसे ही लॉक करके धागा तोड़ना है। इस तरह से हुक और लूप बना के लेना है। ये प्रेस बटन है, प्रेस बटन यहाँ पट्टी पे लगता है, तो ये एक जो बटन है वो नीचे और एक बटन ये शोल्डर पे लगता है। दोनों में से कोई भी एक बटन आप एक पट्टी पे लगाना है और एक शोल्डर पे लगाना है। हर होल से सुई धागा पास करना है। अभी ये लॉक करना है। ये जो बटन लगाएंगे ये शोल्डर पे लगाएंगे, लेकिन ये इसका मेन फैब्रिक नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ ये स्टिचिंग का जो मार्जिन है उसमें ही लगाएंगे। ये पट्टी पे ही हमने खाली ये बटन लगाया, इधर दिखेगा नहीं, और इसको अभी लॉक करना है। इस तरह से हम पूरा ब्लाउज फिनिशिंग करके ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।